दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी जी और राहुल गांधी के समर्थक के बीच 20 सड़क पर हो गया बवाल। दोस्तों, बवाल का मुख्य कारण ये था कि राहुल गांधी ने अपने मैनिफेस्टो में कहा था, चुनाव से पहले मेरी सरकार बनी तो हर गरीब के खाते में 1 लाख रुपए दूंगा। लेकिन दोस्तों, राहुल गांधी की सरकार नहीं बनी, फिर भी मोदी समर्थक राहुल गांधी से 1 लाख रुपए की मांग कर रहे थे, जिस पर राहुल गांधी के महिला समर्थक मोदी समर्थकों को जवाब देने लगी। दोस्तों, राहुल गांधी के महिला समर्थक ने कहा मोदी समर्थकों से कि राहुल गांधी की सरकार नहीं बनी है कि आपको 1 लाख रुपए देगी, आप अंधभक्त हो, आपके दिमाग में गोबर भरा हुआ है, चुतियापा टाइप की बात मत किया करो। जिस पर लड़के भी भड़क गए और बोलने लगे कि 500 रुपए लेकर आई हो और मीडिया को बाइट दे रही हो, और दोनों के बीच झड़प हो रही थी। दोस्तों, इसी बीच एक लड़का कूद जाता है और कहता है कि मैं राहुल गांधी से 1 लाख रुपए दिला दूंगा, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 15 लाख रुपए जो वादा किए थे वो आज तक पूरा नहीं किए हैं और किसी गरीब को नहीं दिया, जो कि तीसरी बार सरकार बना चुके हैं। किसी में है हिम्मत तो 15 लाख रुपए दिला दे, मैं गारंटी लिख कर देता हूँ कि अगर राहुल गांधी की सरकार बनी तो मैं 1 लाख रुपए दिला दूंगा। दोस्तों, सरकार किसी का भी बने, गरीबों का उधार होने वाला नहीं है। गरीब मजदूरी नहीं करेगा, काम नहीं करेगा तो उसका पेट सरकार भर देने वाला नहीं है। अपना घर परिवार चलाने के लिए आपको खुद कमाना है और अपने बच्चों के लिए, अपने बच्चों के भविष्य के लिए खुद सोचना है। सरकार को आपके बच्चों की भविष्य की चिंता नहीं है, उन्हें सिर्फ अपनी कुर्सी की चिंता है और अपने बच्चों की चिंता है। किसी नेता मंत्री विधायक के बेटा बेटी सरकारी स्कूल में नहीं पढ़ता है। हम गरीब मजदूरों की बच्चे ही सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं और सरकारी स्कूल की स्थिति क्या है आपसे छुपी हुई नहीं है। किसी भी स्कूल में अच्छे शिक्षक नहीं है, अच्छे व्यवस्थाएं नहीं है, आपके बच्चे कैसे पढ़ पाएंगे। दोस्तों, आए दिन बेरोजगारों की संख्या बढ़ती जा रही है, पढ़े लिखे युवा नौकरी के लिए भटक रहे हैं, महंगाई बढ़ती जा रही है, भ्रष्टाचार बढ़ता जा रहा है, आए दिन अपहरण, बलात्कार, बेटियों का चीरहरण हो रहा है, लेकिन सरकार को इसकी कोई चिंता नहीं है। इसलिए अपनी सुरक्षा स्वयं करिए और सरकार के चक्कर में आपसी मतभेद किसी से भी मत करिए। बाकी दोस्तों, इस पर आप सब क्या सोचते हैं, अपनी प्रतिक्रिया नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। दोस्तों, मेरा यही कहना है कि आप सब सरकार के चक्रों में ना पड़े, क्योंकि सरकार आपके बच्चों के भविष्य के बारे में नहीं सोचने वाला है, वो अपने बच्चों के भविष्य के बारे में सोचेगा और साथ ही साथ वो अपना कुर्सी बचाने की कोशिश करेगा। वोट लेना होता है तो नेता मंत्री विधायक मुखिया सरपंच सारे ही आपके द्वार पर आकर हाथ जोड़कर आपसे रिक्वेस्ट करने लगते हैं कि मुझे ही वोट दीजिएगा। वोट दे देने के बाद जब जीत जाता है तो वही मूल नेता मंत्री विधायक आपको पहचानने से इनकार कर देता है। इसलिए नेताओं के चक्कर में मत पड़िए और आपसी मतभेद मत खराब करिए। दोस्तों, इस वीडियो को यही समाप्त करते हैं। आप सब क्या सोचते हैं, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू सो मच।